alaikum to all the students. I hope that you all are fine. Today in this video we will do grammar exercises of unit number four. So take out your books and open page number nineteen. Exercise number A is write how, have or has. Now here we have three words. How means kaise ya kitna. How means kaise ya kitna. जैसे हम कहते हैं ना हाउ आर यू आप कैसे हैं सो हाउ आर यू और जब हम किसी से पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू आप कितने साल के हैं सो so, हाउ जब हम क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो हम हाउ यूज करते हैं हाउ आर यू आप कैसे हैं हाउ ओल्ड आर यू आप कितने साल के हैं नंबर टू हैव हैव इज अ रूट वर्ब ठीक हैव हम प्रूलर के साथ यूज़ करते हैं हम किसके साथ यूज़ करते हैं दे वी वी एंड दे आर प्रूलर लेकिन हम आई के साथ भी हैव यूज़ करते हैं जैसे कि आई हैव अ पेंसिल मेरे पास पेंसिल है यू हैव अ बैग आपके पास बैग है ठीक है सो फ्रूलर्स के साथ भी हम यूज़ करते हैं वी और दे के साथ हैव यूज़ करते हैं और उसके अलावा हम आई और यू के साथ यूज़ करते हैं हैव हैज़ वी यूज फॉर सिंगुलर्स हैव हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं जैसे ही शी इट ही हैज़ अ बुक उसके पास किताब है ठीक है सो so, हैज़ हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं ही शी इट हैव हम यूज़ करते हैं आई यू वी दे और हाउ हम क्वेश्चंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि हाउ मीन्स कैसे और कितना नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज राइट हाउ हैव और हैज़ डैश यू गॉट मनी डैश यू गॉट मनी सो so, यहाँ पे हाउ आएगा हाउ यू गॉट मनी आपको पैसे कैसे मिले नंबर टू डैश मच इट कॉस्ट डैश मच इट कॉस्ट सो वी यूज हाउ हाउ मच डज इट कॉस्ट ये आपको कितने का पड़ा नंबर थ्री डैश यू टाइम टू प्ले ड यू टाइम टू प्ले सो हेयर वी यूज़ हैव हैव यू टाइम टू प्ले क्या आपके पास खेलने के लिए वक्त है नंबर फोर डैश यू गॉट अ जेक सॉ जेक सॉ इज लाइक अ पजल सो वी यूज हैव हैव यू गॉट अ जेक सॉ सी वी यूज हैव विद यू सो so, मैंने बताया था ना कि हैव हम आई यू वी और डे के साथ यूज़ करते हैं तो यहाँ पर यू लिखा है तो हम हैव यूज करेंगे ठीक है नंबर फाइव डैश द रेन स्टॉप्ट डैश द रेन स्टॉप हैज़ द रेन वी यूज़ हैज़ हेयर नंबर सिक्स डैश डिड यू गेट इट डैश डिड यू गेट इट हाउ डिड यू गेट इट आपने ये कैसे हासिल किया हाउ डिड यू गेट इट नंबर सेवन डैश द डॉग गॉट अ बोन हैज़ द गो हैज़ द डॉग गॉट अ बोन क्या कुत्ते ने हड्डी हासिल की नंबर एट डैश इट स्टार्टेड टू रेन ड इट स्टार्टेड टू रेन हैज़ इट स्टार्टेड टू रेन डैश यू मेक इट डैश यू डैश डू यू मेक इट हाउ डू यू मेक इट आपने ये कैसे बनाया नंबर लास्ट डैश यू अ रेन कोट डैश यू अ रेन कोट so we use have here have you a raincoat kya aapke paas raincoat hai so we have to do exercise number a like this exercise number b zoo or farm here we have some animals you have to write zoo and farm from e for each animal आपने हर एक एनिमल के लिए लिखना है कि क्या वो ज़ू एनिमल है या फिर वो फॉर्म एनिमल है सो नंबर वन इज़ चिकन चिकन हम फार्म में देखते हैं या ज़ू में देखते हैं चिकन इज़ अ फार्म एनिमल ठीक है नंबर टू एलिफेंट एलिफेंट इज़ अ ज़ू एनिमल ज़ू में देखते हैं ना हम एलिफेंट को बियर भालू Zoo animal. Sheep. Beard. Sheep. Farm animal. Penguin. Penguin is zoo animal. Loin. Loin is a zoo animal. Cow. Guy. Guy is a farm animal. Crocodile. Crocodile is a zoo animal. Monkey. Monkey is a zoo animal donkey donkey is a farm animal so here we have completed this exercise number b you have to do both of exercises like this make sure that your work should be neat and your formation should be correct